पहली बार इंटरनेशनल बर्थडे मनाने वाली हूँ मैं, बताओ। विश्वास ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्वीन कंगना रावत वाली वाइब आ रही है मुझे। इमिग्रेशन बचा है, चेक इन बचा है और मेरे पास 1.5 hours। Toilets don't have jet spray. Why? My Zara haul, I shopped around 21,000 के आसपास। Who came to pick me? पैसा ही पैसा, बहुत अमीर हम। Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. मैं करीबन 10-12 बार ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो को कैसे शुरू करूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। This video is gonna be about packing for my first ever international trip and actually traveling to that destination. I am going to UK for my birthday. It took me almost 2 to 3 months to travel this. मैंने अपना पासपोर्ट भी करवाया, फिर वीज़ा लगाया, फिर टिकट खरीदी। टिकट अभी 10-15 दिन पहले ही मैंने खरीदी, जो मुझे 40,000 का पड़ा सिर्फ जाने का। यस, यूके इज़ ए एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव इन, टू ट्रैवल टू, पर अच्छी बात यह है कि रहना खाना और ट्रैवल में से मेरे रहने का सॉर्टेड है। आई डोंट हैव टू स्पेंड देयर। आई सेव्ड लॉट ऑफ मनी देयर एक्चुअली, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स इन सर्टन सिटीज ऑफ यूके, जैसे ग्लासगो में मेरे दोस्त रहते हैं एंड लंडन में भी मेरे दोस्त रहते हैं, सो आई एम गोना बी स्टेइंग विद देम। ऑब्वियसली गाइस, मुझे एकदम से अभी हिट नहीं हो रहा है, प्रॉब्ली जब मैं प्लेन में बैठूंगी तब मुझे हिट होगा कि आई एम ट्रैवलिंग and this is my first ever international trip and इतनी बड़ी लंबी जर्नी होने वाली है। 9.5 hours की फ्लाइट है मेरी लंडन तक, फिर लंडन से ग्लासगो जा रही हूँ मैं। मैं हमेशा से ऐसी लड़की रही हूँ जो अपने आप को बहुत डिग्रेड करती है, एकदम सहमी सहमी सी रहने वाली है। तो जब मैं मुंबई भी आ रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, बहुत मुश्किल हुई, फर्स्ट 3 months were difficult, बट फिर मैंने सीख लिया। यू नो, आई डिस्कवर सो मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। और लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग मेक्स यू हम्बल, यू डिस्कवर अनदर साइड ऑफ यू, अनदर वर्जन ऑफ यू। तो देखते हैं वेदर दिस ट्रैवलिंग इज गोना डू दैट फॉर मी। मैंने इंडिया में जगह जगह ट्रैवल किया है, एक दो जगह अकेली भी गई हूँ, बट फिर भी इंडिया फील्स लाइक होम, यू नो। बट दूसरे कंट्री में जाना थोड़ा तो डर लगता है, बट मुझे पता हम लोग कर लेंगे। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल फॉर मी। मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जब तक ग्रोथ हो पा रहा है, वो सब आपके प्यार, लव और सपोर्ट की वजह से हो पा रहा है। आई हैव लिटिल बकेट लिस्ट दैट आई वॉन्ट टू डू गोइंग टू यूके, जो मैं करना चाहती हूँ। पहली बार इंटरनेशनल बर्थडे मनाने वाली हूँ मैं, बताओ। खुश हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, फटी पड़ी है, बट कर लेंगे है ना। बर्थडे से याद आया, शालू ने ज़ारा से बर्थडे के लिए शॉपिंग की है, तो वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या लिया है ट्रैवल के लिए भी और बर्थडे के लिए भी। मतलब सब मिक्स कर दिया यार, जब भी शॉप करती हूँ कुछ रीज़न चाहिए रहता तो बर्थडे रीज़न, बर्थडे के लिए शॉपिंग की है। फर्स्ट आई दिस रियली क्यूट रेड कलर का कार्डिगन, आई गॉट दिस इन साइज स्मॉल एंड द मटेरियल इज सो सॉफ्ट, द फिट इज सो नाइस, इट्स गुड फॉर लेयरिंग या फिर मैं इसको एज ए टॉप जैसा ही पहन सकती हूँ। इसका प्राइस है 2,590 rupees ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट दिस कॉस्टेड मी 950 rupees विच आई थिंक इज अ स्टील डील। एज अ क्लोजअप शॉट देख लो, इसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आई गॉट दिस फ्लोरल प्रिंट सैटिन टॉप, इट्स सो सॉफ्ट मटेरियल, द प्राइस ऑफ दिस इज 2,990 rupees, अभी 1550 का मुझे ये मिला और अभी और ऑफर में चल रहा है ये ज़ारा में, अगर मिल गया आपको आपका साइज का तो। तो इट्स अ कॉलर नेक टॉप, हल्का सा डीप है ये, फिर बटन डिटेल ऐड किया और यहाँ पे जाके ना ये ऐसे खुल जाता है, एकदम क्यूट सा फेमिनिन टच देता है ये वाला डिटेल। आई रियली लाइक हाउ फेमिनिन सॉफ्ट द मटेरियल एंड द प्रिंट इज। आई ऑल्सो गॉट दिस वाइड लेग स्ट्रेट फिट जीन्स बाय ज़ारा, इट्स हाई वेस्टेड, द साइज इज 40 फॉर मी ऑन दिस। वैसे तो 42 भी मुझे ज़ारा का आता है, बट 40 पहन के यहाँ कमर से ये हल्का हो जाएगा, इट्स सो कम्फर्टेबल इन थिक मटेरियल एंड दैट्स द मटेरियल आई वाज लुकिंग फॉर, एंड लुक हाउ सेक्सी माय एस इज लुकिंग इन दिस, ये। सो द प्राइस ऑफ दिस इज 2,990 rupees, बट मुझे डिस्काउंट में 2,200 rupees का पड़ा। नेक्स्ट अप, लुक एट दिस बाइकर जैकेट, कितना क्यूट एजी लुक दे रहा है ये। आई थिंक दिस इज अ लुक इटसेल्फ, आई कैन वेयर दिस एंटायर लुक ऑल टुगेदर। सो इट्स अ बॉटल ग्रीन कलर बाइकर जैकेट, दे हैव सो मेनी डिटेल्स इन दिस। यहाँ पे चेन है, फ्रंट में चेन है, फिर एडजस्ट करने के लिए यहाँ नीचे भी उन्होंने ये डिटेल ऐड किया है, एंड दिस इज द साइज मीडियम। ज़ारा में ना आपको साइजेस पहन के देखने पड़ते हैं, किसका मीडियम हो रहा है, किसी का स्मॉल हो रहा है, किसका लार्ज आ रहा है मुझे, एंड द क्वालिटी ऑफ दिस बाइकर जैकेट इज रियली गुड। अंदर काफी स्पेस है तो मैं इसको लेयर कर सकती हूँ काफी अच्छे से, एंड अंदर ना थिक मटेरियल दिया गया है, सो इट्स गोना प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ठंड। जीन्स के बाद दिस इज अनदर वन ऑफ माय फेवरेट परचेज, इसका ओरिजिनल प्राइस है 5,990 rupees, बट आफ्टर डिस्काउंट दिस कॉस्टेड मी 1,950 rupees, आई थिंक इट्स अ स्टील डील, व्हाट डू यू गाइस थिंक। देन आई हैव द सैटिन स्ट्राइप प्रिंट का शर्ट, इट्स इन द साइज मीडियम, इसका लूजी लूजी सा सामने सामने से फिट है, विच इज फाइन, आई कैन जस्ट टक इट लाइक दैट, और शुड आई नॉट,
नो आई शुड नॉट. मुझे लगता है मैं इसको पहनने के बाद ना इसके ऊपर ऐसे क्रॉप्ड जैकेट स्वेटर ये सब चीजें पहन सकती हूँ, वो भी अच्छा लगेगा. इसके ऊपर वेस्ट कोट कितना सही लगेगा, बहुत ही क्लासी वाइब देगा, एकदम ओल्ड मनी एस्थेटिक देगा एंड सो सॉफ्ट द मटेरियल इज. ओरिजिनल प्राइस मेरे पास नहीं है क्योंकि टैग एक्चुअली मिल नहीं रहा है, बट आफ्टर डिस्काउंट दिस कॉस्टेड मी 1250 रुपीज. नेक्स्ट आई हैव दिस क्यूट सा समरी कॉटन वाइट टॉप. इसका नेक भी थोड़ा सा डीप है, आई मीन द साइज स्मॉल फॉर दिस. आई नो इसके अंदर मुझे न्यूड कलर का ब्रा पहनना चाहिए था, बट अभी मैंने ब्लैक पहन के रखा है. इसमें यहाँ कितना खूबसूरत सा लेस डिटेल ऐड किया है, उसमें आप लोग देख सकते हो सेल्फ वर्क जो होता है ना कपड़ों में वो है. इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 2990 रुपीस, मुझे ये 1550 का पड़ा. आई गॉट अनदर जारा जीन्स, दिस इज ग्रे कलर का हाई वेस्टेड जीन्स. आई ऑलवेज प्रिफर जीन्स यहाँ पे ऐसे फेडेड पैटर्न रहते हैं, इफ यू हैव फैट इन योर बेली एरिया सो उसको अच्छे से कवर करता है, इट लुक्स गुड ऑन दी बॉडी. इनकी जीन्स काफी वाइड लेग है, काफी लंबी भी है, मुझे नीचे से काटना पड़ेगा, वो मैं खुद घर पे भी कर सकती हूँ. एंड अगेन द मटेरियल इज रियली रियली थिक एंड गुड फॉर दिस. इसका ओरिजिनल प्राइस 3290 रुपीस, ये मुझे 1250 का पड़ा. नेक्स्ट आई हैव दिस रियली क्यूट ऑरेंज टॉप, सच अ पॉप ऑफ कलर, दिस कुड बी फॉर द आउटफिट. सो आई एम द साइज मीडियम फॉर दिस. ओरिजिनल कॉस्ट है 1990, आफ्टर डिस्काउंट दिस कॉस्टेड मी 550 रुपीस. पहनने के बाद इतना सही कंफर्ट फिट लगा मुझे इसका, एंड इट्स अ स्ट्रेचेबल फैब्रिक, जो टैंक टॉप्स के फैब्रिक होते हैं ना वैसा वाला ये फैब्रिक है. नेक्स्ट आई गॉट दिस रियली क्यूट शर्ट, गिविंग मी कोरियन वाइब फॉर सम रीजन. इसका स्लीव्स देखो, आई फेल इन लव विद द स्लीव्स एंड इसमें ऐसे कर्व वाला कट दिया गया है. आई बॉट दिस इन द साइज स्मॉल बिकॉज इट्स अ लूज फिट. प्रॉब्ली इसको थोड़ा और ऐसे ओपन करके पहनूंगी तो ज्यादा बेटर लगेगा. जस्ट टू शो यू हाउ आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस, मैंने अपना वेस्ट कोट इसमें ऐड कर दिया है एंड नाउ इट्स गिविंग पॉश ऑफिस गर्ल वाइब. सो इसका ओरिजिनल प्राइस 3290 रुपीस, ये मुझे 1550 का पड़ा. देन आई गॉट दिस रियली क्यूट ट्रेंच कोट. इसका मटेरियल इज जस्ट परफेक्ट टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम विंड बारिश एंड इट्स गुड फॉर लेयरिंग. जैसे कि मैंने भी शर्ट और फिर ये वेस्ट कोट और ये ट्रेंच कोट डाल के रखा हुआ है. बटन डिटेल है इसमें, इसका मटेरियल ट्रैक सूट जैसा मटेरियल है ना वैसा कुछ मटेरियल इसका. इट्स रियली गुड मटेरियल. दिस इज इन द साइज मीडियम एंड आई गॉट दिस ऑन अ रियली ग्रेट डील. मैंने इसको ऑनलाइन खरीदा क्योंकि ऑफलाइन कहीं भी अवेलेबल नहीं था. इसका ओरिजिनल प्राइस 11,990 रुपीज, दिस वॉज ऑन आई थिंक 70% ऑफ, 3,550 रुपीज में पड़ा. और अभी मैंने ज़ारा में देखा तो उन्होंने 1,000 रुपए और कम कर दिए हैं इस के ऊपर. अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पीस दिस इज. ओ पॉकेट्स भी है इसमें बाय द वे, ये तो मैं मुंबई की बारिश में भी पहन सकती हूँ मुझे लगता है. देन आई गॉट दीज पैंट्स, लव द फिट ऑफ दीज पैंट्स. इसमें उन्होंने ये बटन डिटेल ऐड किया है, इट्स नॉट थिक मटेरियल बट इतना थिन भी नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट लिनन सॉर्ट ऑफ मटेरियल. एंड आई लाइक ऐसे पैंट्स जहाँ पे प्लीट्स ऐड होते हैं बिकॉज आई डो नॉट हैव फ्लैट स्टमक, सो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स टू कवर. आई कैन स्टाइल दिस इन सो मेनी डिफरेंट वेज. ये इस वेस्ट कोट के साथ भी अच्छा लग रहा है. बाय द वे ये ज़ारा का नहीं है, ये वेस्ट कोट मैंगो का है, मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था. तो इस पैंट्स का एक्चुअल प्राइस है 3,950 रुपीज, आई गॉट दिस फॉर 1750 रुपीज. आई गॉट दिस वाइट पैंट्स, थोड़े से लंबे हैं मुझ पे बट मेरे पास एक्चुअली समय नहीं है कि मैं इसको कटवाने जाऊं. एंड लुक हाउ नाइस माई एस इज लुकिंग एंड दिस विद दिस इज लुकिंग सो गुड. तो इसका ओरिजिनल प्राइस 2,290 रुपीज, ये मुझे 1,050 रुपीज का पड़ा. लास्टली आई गॉट दिस क्रॉप्ड ब्लेजर एंड स्वेटशर्ट का हाइब्रिड. इसमें हुड भी दिया है, यू कैन वेयर इट लाइक दैट, यू नो दिस इज वेल पैडेड एज वेल. अगेन इट्स गिविंग अ रियली गुड एजी वाइब, दिस इज अ लुक आई फील. इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, विंटर में मुझे जब मैं भोपाल जाऊंगी ना काफी काम आने वाला है. आई एम गोना वेयर दिस अ लॉट फॉर श्योर. सो इसका ओरिजिनल प्राइस है 5,590 रुपीज, ये मुझे 2,950 का पड़ा. और अभी जब जारा गई थी ना उन्होंने और ऑफ कर दिया इस पे. एंड दिस वॉज माई जारा हॉल. आई जस्ट कैलकुलेटेड आई शॉप्ड अराउंड 21,000 के आसपास. मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कभी नहीं की है ज़ारा से, हमेशा दो तीन चीज़ें ली है. बट या चावल प्लस बर्थडे शॉपिंग हो गया, ये मेरा खर्चे हो गए. चलो पैकिंग करते हैं. अब कट द लेंथ ऑफ दिस ब्लैक जीन्स, थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने ये ब्लू जीन्स से, थोड़ा सा यहाँ पे गोंडेबल हो गया बट ठीक है, नीचे कोई इतना दिखता नहीं है. और मैंने अमेजोन से ये सुई धागा का पूरा सेट मंगाया था, इसमें सुई भी आती है और ये धागा वगैरह और कैंची वगैरह सब आता है इसमें. मैंने ये साइड साइड को सिक्योर कर दिया जैसे कॉर्नर में था ओरिजिनली लाइक दैट, ताकि मेरी जीन्स का स्टिच ना खुलना शुरू हो जाए यहाँ से. पैकिंग वाइज दिस इज वेयर आई एम एट. मैंने ये सब कपड़े अभी निकाल लिए जो मुझे लेके जाना है, वो सब जैकेट कोट्स वगैरह, पैंट्स, all my tops, some fancy tops. I'm also carrying some Indian wear, my dresses, those are shirts, and ये घर वाले कपड़े हैं कुछ और ये jeans. Now to pack these heavy jackets, I'm going to be using this compressor bag.
आपको ये यूज करना रहता है एंड यू पुट ऑल ऑफ योर जैकेट्स एंड देन यू पंप आउट ऑल द एयर. काफी साइजेस में आता है, मेरे पास ये दोनों साइजेस अवेलेबल है. मैं जब आई थी ना भोपाल से, तो मैं इन्हीं में अपने कपड़े सब वगैरह भर के लेके आई थी. तो मैंने टॉप्स वगैरह कंप्रेस नहीं किया और वो घर पहनने वाले कपड़े, बट आई हैव कंप्रेस्ड पैंट्स, वो जैकेट्स वगैरह, इंडियन वेयर and my dresses. I have a feeling that I'm overpacking, but I'm just a girl and this is my first ever international trip, so theek hai thoda bahut overpacking chalega, but you have to make sure that all of this is 46 kgs because mujhe utna hi allowed hai. For bags I'm thinking to carry 4 bags. ye sare bags mein काफी कुछ कुछ सामान आ जाएगा, स्पेशली ये ब्लैक वाले में तो बहुत कुछ सामान आ सकता है. दिस इज अ रीसेंट न्यू एडिशन टू माय बैग कलेक्शन जो मेरी बहन अंकिता दी, मोना दी, उन्होंने बर्थडे गिफ्ट में मुझे ये दिया है. ये माइकल कोर्स का बैग है. मैं बस यू नो अभी तक जितने भी लग्जरी बैग्स में या तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे गिफ्ट किया है या मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया, अभी तक मैंने खुद के पैसों से खरीदा नहीं है. सो आई एम गोना रिमूव ऑल दिस एक्स्ट्रा पैकेजिंग ऑफ दिस और ये जो इसका डस्ट बैग आता है ना उसमें मैं कैरी करके लेके जाऊंगी. और मैं छोटे छोटे टॉप्स, आई एम गोना बी यूजिंग दीज पैकिंग बैग्स. ये अमेजोन से खरीदा था मैंने. सभी टॉप्स एक जगह आ जाएंगे तो वेल पैक्ड हो जाएगा ये. आई गॉट दिस न्यू बिगर बैग फॉर द ट्रैवलिंग पर्पज एंड जस्ट weighted सामान भरने के बाद एंड इट इज 21.3. आई कैन स्टिल ऐड 2 केजीज इन इट, बट आई थिंक आई एम गोना जस्ट स्टॉप हियर एंड ट्राई टू फिल अप दैट बैग नाउ. आई थिंक पैकिंग अच्छी खासी जा रही है एंड बिफोर आई कंटिन्यू माई पैकिंग आई एम गोना शो यू फ्यू ज्वेलरी पीसेज दैट आई गॉट. आई एम रियली इन टू एंटी टार्निश हाइपो एलर्जेनिक ज्वेलरी, वाटर प्रूफ ज्वेलरीज, और मैं थोड़ा थोड़ा करके शॉप करती हूँ अपनी कलेक्शन में एड करने के लिए. दिस टाइम आई शॉप्ड अ लॉट. दिस इज बाई दिस ब्रांड वीकेंड लेन. जो मुस्कान है ना, मैंने उनका वीडियो देखा था इंस्टाग्राम का एंड शी टॉक्ड about this brand and you guys can see I have like lot of jewelry to show you. This bracelet kitna sundar lag raha hai, ye isko aise open karte and then you wear this like that. abhi mere paas aur bhi bracelet hai iske sath stack karne ke liye. another bracelet that I got is this one. इसमें ये नकली हीरे जड़े हुए हैं. ये मैंने स्टड्स वाला स्टार वाला पहना है एंड दिस इज द प्लेन वन. आई गॉट दिस पर्ल वन. दीस प्रिटी सिल्वर हूप्स, आई डोंट नो गुड क्वालिटी सिल्वर हूप्स एंड ये सिल्वर और गोल्ड वाले हार्ट शेप के इयर ड्रॉप्स इयररिंग. आई ऑल्सो गॉट गोल्ड हूप्स. ये साइज एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा. इयर रिंग कितना सुंदर है, मेरे पास बहुत कम एंटी टार्निश रिंग्स है एंड दिस सेट ऑफ टू चेन नेकलेस. ये सब पहन लू तो ऐसा लगेगा की दैट आई एम बपी लहरी. Rest in peace his soul. He was a really good singer. And lastly, this beautiful heart wala necklace. Oh my god, this is so stunning. Okay, my dinner is here. I'm having Mexican chicken salad from Harvest Co. ये खाऊंगी मैं and then I'll call it a day. बाकी की packing हम लोग कल करेंगे. वो वाला जो suitcase है already मैं 9 kgs भर चुकी हूँ. Good morning. I slept really well last night. I feel so refreshed. One day to go before my international trip. Then I'll be traveling tomorrow. So आज पैकिंग कंप्लीट करना है. मेजर मेजर पैकिंग मैंने कर ली है, उसके बाद कुछ ब्रांडेड कंटेंट भी फिल्म करना है. मैंने कल रात को सोची थी, मैंने रियलाइज किया कि मैंने आपको बताया नहीं कि कौन से दोस्तों के पास मैं जा रही हूँ. सो आई बी गोइंग टू ग्लासगो फर्स्ट, जहाँ पे परीक्षित है. इफ यू डोंट नो परीक्षित इज, ही इज माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड. आई हैव नोन हिम फॉर 13+ इयर्स एंड देन लंडन में पल्लवी दी है जो परीक्षित की बड़ी बहन है, तो फिर मैं वहाँ जाऊंगी उनके पास. सुपर एक्साइटेड टू मीट देम. लास्ट टाइम आई मेट परीक्षित वॉज नवम्बर में, बिकॉज After that he went to Glasgow for further studies. और ये देख लो आप लोग मेरा पासपोर्ट, मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट. विश्वास ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा है. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे. मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस कि कल भी इतनी बारिश ना हो जाए और मेरी फ्लाइट डिले ना हो जाए, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है ग्लासगो के लिए वाया लंडन. मैंने आज स्पॉन्सर कॉन्टेंट भी फिल्म किया, तो मेरा एक्चुअली आधा दिन ना उससे मैं निकल गया कि कॉन्टेंट फिल्म किया, फिर उसको एडिट किया और अभी मैं रेडी हुई हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़ारा का कुछ सामान वापस करना है. अब क्या है ना कि अगर मैं आने के बाद वापस करूँगी तो डेट निकल जाएगा, और कोई सस्ता सामान नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये का सामान है, तो वो मैं वापस करना चाहती हूँ. प्रॉब्ली आई एम गोना बाय थोड़े बहुत स्नैक्स एंड देन आई कम बैक. अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली और फाइनली बारिश थोड़ी कम दिख रही है, अब मुझे जा सकती हूँ मैं. आज संडे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, बट आई मेड इट. आई वॉन्ट गो टू ज़ारा टू रिटर्न ऑल ऑफ दिस. ज़ारा के पार्सल रिटर्न कर दिए, मैं जा रही हूँ. ओनली आई वॉन्ट टू बाई सम टी शर्ट्स, सेल चल रहा है यहाँ पे. ओके, आई रियली लाइक दिस. आई एम गोना गेट वन साइज स्मॉल इन दिस. हाउ द पैंट्स इतने अच्छे नहीं लग रहे. गुड पैंट्स, कितना डिफरेंट स्टाइल है ये. मेरा ऑटो पंचर हो गया, दैट्स सैड. Okay guys, I got another auto. Now
I'm heading home. I did some shopping for gifting purpose. I'm back home and this is the first kurta that I got from Lifestyle. This is by Biba. And this is the second kurta that I got, this yellow one. So, jinke liye main ye kurtas le rahi hu na, they both are not Indian. Aapko I think isi vlog mein ya aane wale vlog mein pata chal jayega kinke liye liya hai maine. But I really like both of this kurta. I hope they both like it. Snacks khareedne ka time nahi tha, to maine blanket se manga liya tha. Kuch makhane mangaye maine, aloo bhujia. This is for Parikshit. I know he loves aloo bhujia. To maine uske liye khareed liya. 1 kg ka khareeda hai maine. Protein cookie एंड अ प्रोटीन बार. नाना करके भी बहुत कुछ पैक कर लिया है मैंने. एंड दीज आर जस्ट ऑल ऑफ माई इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट आई फील दैट आई विल बी नीडिंग. आई जस्ट कांट लेट गो ऑफ देम. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक बींग अ गर्ल. एंड ये ना वो है यूनिवर्सल चार्जर लगता है ना, ये वो है. सो आई बॉट टू. एंड लुक एट दिस, मैंने कितना सारा कचरा निकाला है. 2 बैग भर गए मेरे ज़ारा के बड़े बड़े. और मैंने अपने सारे पौधे भी निकाल के रखे हैं. ये मैं अपने पड़ोसी को दे के जाऊंगी. शी इज सच अ स्वीट हार्ट. दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही स्वीट है. गुड मॉर्निंग, दिस इज द डे दैट आई एम ट्रैवलिंग. आई एम ऑलरेडी एंड सेट टू गो. दिस इज माई एयरपोर्ट लुक. एंड दीज आर माई बैग्स. ये कैबिन लगेज है और वो दोनों चेक इन लगेज है. क्वीन कंगना रावत वाली वाइब आ रही है मुझे. लेट्स गो टू लंदन वैसा वाला. बट लेट्स गो. फ्रिज में कुछ सब्जियां बच गई थी, वो मैंने निकाल दी है. नीचे ले जाऊंगी गार्ड को, तो रेखा भी ले जाएंगी. मैंने कैब बुक कर ली थी ना, रीच्ड एयरपोर्ट. जीवन का पहला इमिग्रेशन कराने जा रही हूँ मैं. माई इमिग्रेशन इज डन. इट वॉज इजी पीजी. मैं अंदर आ चुकी हूँ. मैं इस साइड एयरपोर्ट के इस साइड कभी नहीं आई. यहाँ से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं. सब कुछ कितना लग्जूरियस दिख रहा है गाइस. देखो वहाँ पे एस्टे लॉडर है, टॉम फोर्ड है, क्लिनिक है, शिनेल, नाज. आई एम बाइंग अ नॉवल, दिस वन. ऐसे रोमांटिक नॉवल जैसा लग तो रहा है. आपको लगता है मैं ये पढ़ लूंगी? टॉप सेलिंग नॉवल्स में से एक है फ्रिक्शन. एंड दिस वाज ऑन नंबर 13. ओके, हम करेंगे नाश्ता नंबर 2 विद अव्यू. मैं घर से ना ऑलरेडी चीला खा के आई थी, बट कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना. सो ये कोस्ता कॉफी का है, चॉकलेट मफिन. एंड आई गॉट सम कॉफी फ्रॉम स्ट्रीट फूड. Guys, I just landed London Heathrow Airport, but I have a connecting flight for Glasgow. And 8:55 PM, mera immigration bacha hai, check-in bacha hai, aur mere paas 1.5 hours hai. इमिग्रेशन की लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है. और अच्छी बात यह कि मेरी फ्लाइट आधा घंटा डिलेड है. थोड़ा सा वाईफाई मिल गया था, तो मैंने परीक्षक से बात कर ली थी. मैंने किसी से बोरो की एक्चुअली वाईफाई. मेरा सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया. यहाँ की सिक्योरिटी चेक इन में ना ऐसे पर्दा लगा के चेक इन ऐसे चेक नहीं करते. वो सीधा सीधा बस सामने आने के लिए बोला और मेरा हो गया. एंड दिस इज लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट. सच बताओ तो मुंबई के टर्मिनल 2 की वाइफ दे रहा है मुझे. एंड नाउ आई हैव सम टाइम टू किल एंड आई नीड टू गेट अ वाटर बॉटल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मेरा वाटर बॉटल रख लिया. The toilets don't have jet spray. Why? Why? London का 9 o'clock कुछ ऐसा दिखता है. कितनी रोशनी है. And now I'm going for my second flight. Okay, I landed. आपको पता है मैंने सुबह 10 बजे से शुरू किया था इंडिया टाइम और अभी इंडिया में बज रहे हैं 3:30. बहुत लंबा जर्नी था ये मेरा ग्लासगो के लिए. But I made it. And I'm kind of tired. But चलो लगेज लेते हैं. And then Parikshit is on his way to pick me. Who came to pick me? Got me flowers. So sweet. Let's go. Let's roll. 1, 2, 3. जरा बताएं हमारा कितने का कैब पड़ रहा है ये. 22 pounds, which is 2200 rupees. पैसा ही पैसा. बहुत अमीर हम. और 15 मिनट की दूरी में. running wild.